ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए, कुछ तल्ख कुछ हसीन यादों के साथ 2018 रुखसत, 2019 वेलकम। वतन अजीज के हर फर्द को नए साल में बेहतरी की तवक्कोआत, अहलियान लाहौर को लाहौर न्यूज की जानिब से नया साल मुबारक। दुआ है कि हमारी ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। नए साल की आमद पर शहर भर में जश्न का समा, मॉल रोड लिबर्टी चौक पर ईद का समा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान पर रंगोनूर की बरसात, रंगोनूर रोशनियां हर सू, नए साल की खुशियां। आओ नए साल में नफरतें मिटा दें, शहर को जन्नत बना दें। नए साल की आमद पर शहर में भी जश्न का समा, बैरियर टाउन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान पर रंगोनूर की बरसात। नए साल की खुशियों में फनकार बरादरी भी पीछे न रही, तमासील थिएटर में नए साल की आमद पर केक काटा गया, तकरीब में स्टेज ड्रामे में काम करने वाले फनकारों ने शिरकत की। पुलिस नए साल में दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम, न्यू ईयर नाइट पर गुलशन रावी के इलाका में हवाई फायरिंग की फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। न वन विलिंग, न हवाई फायरिंग और न होगी सरेआम आतिशबाजी, पुलिस ने नए साल के जश्न पर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। मंचलों को रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ा पहरा, 10,000 अहलकार ड्यूटी पर मामूर। नए साल का पहला मुकदमा दर्ज, शहर में 2019 का पहला मुकदमा सांदा थाने में दर्ज कर लिया गया, मुलजिम वकास के खिलाफ मुकदमा नाजायज असलहा की दफा के तहत दर्ज किया गया, जबकि साल 2018 का आखिरी मुकदमा थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया। आला सहाफती इकदार की पासदारी साल 2019 में भी रहेगी जारी, अवाम के मसाइल उजागर करने वाला अवामी चैनल लाहौर न्यूज 2018 में सहाफत के हर मैदान में सबसे आगे रहा। म्याने साहब समेत कब्रस्तानों से गैर कानूनी हाथों की मिसमारी, 56 कंपनी स्कैंडल, पैरागॉन से मिशन ब्यूटीफुल लाहौर तक, साफ पानी तजावजात, अस्पतालों की हालत जार हो या LWMC का मेगा स्कैंडल, आम इंतखाबात की बेहतरीन कवरेज पर बेहतरीन चैनल का एजाज भी ले उड़ा। साल भर अवाम के बुनियादी हुकूक का चर्चा, अदालतों और ऐवानों में हुआ तस्करा, अवाम की आवाज लाहौर न्यूज का एजाज, नए साल में भी खिदमत का आज़्म। नए साल की पहली खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, पेट्रोल 4.86 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 4.26 रुपए फी लीटर कमी, मट्टी का तेल 52 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया, पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपए 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 106 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। दोबारा मौजें, फिर से छुट्टियां, सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा कर दिया गया, स्कूल अब 7 जनवरी को खुलेंगे, महकमा तालीम पंजाब ने ऐलान कर दिया। छुट्टियों में इजाफा सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस किया गया, वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। अनफॉर्चुनेटली खुले मिसालों में अडल्ट्रेशन जो थी वो इतनी ज्यादा हो रही थी कि उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी ट्रेसिबिलिटी क्रिएट करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और ये बात आप मेरा ख्याल है ख़ुद भी समझते हैं कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो ये उस कीमत के अंदर शामिल होता है ये एतमाद कि आप वो चीज़ ही ख़रीद रहे हैं, कुछ और नहीं ख़रीद रहे हैं। इंसानी सेहत अहम, खुले मसालों की फरोख्त का सिलसिला खत्म, आज से पैकिंग के बगैर मसाला जात की फरोख्त पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना होगा, माल जब्त करने के अलावा लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, पैकिंग पर जुमला तफसीलात दर्ज करना भी लाजिम करार, 1 जनवरी से कोई खुले मिर्च मसाले नहीं बेच सकेगा, DG फूड अथॉरिटी, पैकिंग का इकदाम दुरुस्त मगर मयार पर ज्यादा तवज्जो दी जाए शहरी। इन लोगों ने यह कहा कि जो खुले मसाले हैं उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और पैकिंग वाले जो हैं ना उसको चलना चाहिए। क्या गारंटी है कि पैकिंग वालों में बेईमानी नहीं होगी?
उसमें मिलावट नहीं होगी। सर ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दो नंबर चीज़ें आ रही हैं जो हमें खिलाई जा रही हैं, बीमार हो रहा है हर बंदा। बेहतर है कि ये क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। हाँ देखिए, गवर्नमेंट का या पंजाब फूड इंडस्ट्री का एक अच्छा इकदाम है, करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि गरीब आवाम इसको ले सके। इस हिसाब से इसको बनाना चाहिए ताकि पैकिंग इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि गरीब आवाम अफोर्ड कर सके। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा है जी, अपना ये जो हाइजेनिकली बड़ा अच्छा है कि पैक करके मसाले पेश किए जाएँ। और दूसरा ये है कि जहाँ पर ये पैक होंगे वहाँ पर चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, कहीं वहीं मिलावट करके तो नहीं पैक हो रहे। बाकी बहुत अच्छा है जी, सेहत के लिए अच्छा है, कोई शक नहीं इसमें। सरकारी डॉक्टरों की मौजें, अस्पताल डॉक्टर्स और मुलाजमीन को प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई। महकमा सेहत ने तरमीमी एक्ट 2018 मंजूरी के लिए भिजवा दिया। मेडिकल जामियात में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तायुनाती लाजिम करार, मुसवदा की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। जॉर्जटाउन में खोखर पैलेस समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात का मामला, एंटी करप्शन ने खोखर बरादरान को पूछगिछ के लिए बुला लिया। सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर और शफी खोखर को आज सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोभा पाकिस्तान स्टडीज और शोभा तारीख की सुस्ती, पंजाब यूनिवर्सिटी का निसाब तालीम 30 साल बाद भी तब्दील न हो सका। तारीख का मजमून 1988 के बाद से तब्दील नहीं किया गया। पब्लिशर्स 30 साल से तारीख के एक ही मजमून का निसाब शाया कर रहे हैं। तुलबा को सिर्फ 5 सवाल कराकर बीए की डिग्री दे दी जाती है। टैक्स से बचने के लिए सेल्स के आदाद और शुमार में हेरफेर, जलाल सन्स डिपार्टमेंटल स्टोर एफबीआर के जाल में आ गया। एक ही दिन में जलाल सन्स की 2 ब्रांचों पर छापा। डिफेंस फेस 5 और गुलबर्ग ब्रांच का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। एफबीआर हुक्काम का कहना है जलाल सन्स 11 ब्रांचों का 4 लाख रुपए सेल्स टैक्स अदा कर रहा था, सिर्फ गुलबर्ग ब्रांच की गुज़िश्ता रोज की सेल 70 लाख रुपए हुई। साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा एहतसाब की जद में आ गया। अरफा करीम टावर प्रोजेक्ट में बेजाब्तगियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। नैब ने पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। तमाम भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करेंगे। हमने पहली बार कोशिश की और स्मोक को काबू में रखने में कामयाब रहे। करोड़ों की मशीनरी साबिका दौर में मंगवाई गई मगर वो काम ना कर रही थी। इस वक्त लाहौर में 2 पॉइंट मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहे हैं। मुशीर वजीर आजम अमीन असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में वालिद से वकला के हमरा 1.5 घंटा मुलाकात। अपील दायर करने के लिए मियां नवाज से कागजात पर दस्तखत करवा लिए। मरियम नवाज वालिद के लिए ड्राई फ्रूट गर्म कपड़े भी लाई। नसीराबाद नून लीग दफ्तर में MSF के यौम तासीस की तकरीब, लीगी रहनुमाओं ने केक काटा, मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। परवेज मलिक बोले पार्टी छोड़कर कोई नहीं जा रहा, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा। नवाज शरीफ की सजा नाइंसाफी पर मबनी फैसला है। नून लीग लॉयर्स विंग ने नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। करप्ट अनासिर से 4 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की गई। 2 अरब 22 करोड़ फिरोजपुर सोसाइटी स्कैंडल से वापस लिए। मॉडल हाउसिंग केस में 53 करोड़ की रिकवरी की। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इनवारुल हक ओहदे से रिटायर्ड। साथ ही जजेस की जानिब से शानदार तरीके से अलविदा। नए चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने सुबह भर में ट्रेनिंग कैंपस का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत 7 शहरों में कैंप लगाए जाएंगे। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड नदीम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले खिलाड़ियों के तमाम अखराजात स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब बर्दाश्त करेगा।